नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार सिंह। आज आपका जो है यूपीएससी और यूपीपीसीएस और जो वनडे एग्जाम्स और भी हैं उसके दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण एक टॉपिक है आपका है भारत की नदियाँ। तो हम जो भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं भारत का नदी तंत्र। जब नदी तंत्र के बारे में हम लोग देखते हैं तो यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बहुत आए हैं और आते भी रहे हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि इसलिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भारत में देखा जाए, अन्य देशों की अपेक्षा या महाद्वीपों की भी अपेक्षा हम लोग बात करें तो भारत में नदियां बहुत पाई जाती हैं। और नदियों के संदर्भ में बात करें हम लोग तो भारत को नदियों का देश भी कहा जा सकता है। वैसे सामान्यतः नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, लेकिन भारत में नदियां इतनी पाई जाती हैं इसलिए भारत को भी नदियों का देश कहा जा सकता है। शुरू करते हैं भारत का नदी तंत्र। हम जब नदी तंत्र के बारे में बात करते हैं तो जो पहला हमारा प्रश्न होना चाहिए, नदी क्या है। जब नदी के बारे में हम लोग बात करते हैं नदी, तो जो सबसे पहले हम लोग नदी के बारे में चर्चा करेंगे तो एक ऐसा भाग जहां पर हम लोग कहते हैं वह नदी है, तो वह नदी जो हमने कहा मतलब वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, पानी तो मिलेगा लेकिन वो पानी कैसा होगा, रुका हुआ या बहता हुआ। बहता हुआ जल जो बह रहा है वही आपका नदी है। अगर पानी रुक गया तो वह नदी नहीं होगी बल्कि तालाब हो सकता है, कोई गड्ढा हो सकता है, सागर, महासागर, झील हो सकता है, लेकिन उसे हम लोग नदी नहीं कहेंगे। मतलब नदी हमने कहा तो रनिंग वाटर, प्रवाहित जल धारा। तो जल का होना जरूरी है, एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, और जो आपका पानी है वो कैसा है, प्रवाहित होता हुआ जल। अब प्रवाहित होता हुआ जो जल है वो कहां बह रहा है, ऊपर से नीचे की ओर। तो हम अब दूसरा इसी ने क्या जुड़ गया टॉपिक आपका, नदी जो कि ऊपर से नीचे की ओर बहता हुआ जल। लेकिन जो ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है क्या उसे ही नदी हम लोग कहेंगे, नहीं, क्योंकि जो नदी है किन्हीं दो प्राकृतिक सीमाओं के बीच में बहती है, प्राकृतिक सीमाएं जिसे इंसानों ने नहीं प्रकृति में बनाया हुआ तटबंध। तो हम लोग यहां पर कहते हैं जो कि किसी ऊंचे भूभाग से नीचे की ओर किन्हीं दो प्राकृतिक सीमाओं या तटबंधों के बीच प्रवाहित जलधारा होती है, कह सकते हैं। लेकिन क्या यह भी सही है कि ऊपर से नीचे की ओर किन्हीं दो प्राकृतिक सीमाओं के बीच प्रवाहित जलधारा। यहां पे भी प्रश्न आता है कि जो नदी है आपको वह नदी किसने बनाया, इंसानों ने बनाया या प्रकृति ने बनाया। जब बात यहां पर आती है इंसानों ने या प्रकृति ने, तो यहां पर जो नदी है उसको प्रकृति ने बनाया। यदि इंसानों ने बनाया होता तो यह नदी नहीं होती, कोई नहर होता या कोई नाला होता, ड्रेन या कैनाल। अब यहां पर अगर हम बात करें नदी किसे कहते हैं, तो नदी हम लोग बात करेंगे, नदी एक ऐसा प्राकृतिक तत्व है जो कि किन्हीं जो किसी ऊंचे भूभाग से नीचे की ओर किन्हीं दो प्राकृतिक सीमाओं या तटबंधों के बीच प्रवाहित जलधारा होती है। ये तो आपका हो गया नदी। अब यहीं पर बात करते हैं हम लोग भारत का नदी तंत्र में तंत्र शब्द यूज किया गया है। तंत्र का मतलब क्या हुआ कि तंत्र मतलब जब याद करते हैं हम लोग कोई कंप्यूटर सिस्टम है ना, कंप्यूटर तंत्र। सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में आपका मॉनिटर जुड़ जाने से ही वो कंप्यूटर नहीं बन जाता, उसमें आपका माउस यूज करते हैं आप, सीपीयू यूज करते हैं आप, और भी उसमें अलग अलग से इंस्ट्रूमेंट, आप कीपैड आपका यूज होता है उसमें, तो कई चीजें ऐसी जुड़ती हैं तब आपका वो जाकर के एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है। तो कंप्यूटर सिस्टम से यहां पर आइएगा, जब बात करते हैं नदी तंत्र के बारे में तो ध्यान रखिएगा मुख्य नदी जो कि किसी ऊंचे भूभाग से निकल कहां जा रही है, सागर की ओर जा रही है, क्लोज डेट कहां पर, सी वाले हिस्से में, जिसे हम लोग रिवर माउथ भी कहते हैं। तो इस दौरान रिवर में जाने पर इसकी ट्रिब्यूटीज, इसकी सब ट्रिब्यूटीज और उसकी भी सब ट्रिब्यूटीज और उसकी भी सब ट्रिब्यूट, यहां तक कि आपके घर का नाली का पानी भी अगर गंगा रिवर में जा रहा है तो वह घर की नाली भी किसका हिस्सा हो गया, गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा हो जाता है यहां पर। क्योंकि वो जो आपकी रिवर जो आपकी नदी का अस्तित्व किस वजह से है, जल की वजह से, क्योंकि नदी का आकार जितना बड़ा होगा, क्यों होगा, क्योंकि नदी में जल की मात्रा बढ़ती जाएगी। नदी में जल की मात्रा का बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अगर वह पानी आपके घर से भी आ रहा है, आपकी घर की नाली से भी आ रहा है, तो वह नाली भी वह ड्रेन भी आपकी रिवर सिस्टम का क्या होगा, एक हिस्सा होगा। तो यहां पर तंत्र की बात करेंगे, मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों एवं उप सहायक नदियों के साथ एक जाल बनाती है, नेटवर्क, जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
तंत्र कहा जाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जब बात करेंगे नदी तंत्र, तो नदी तंत्र, नदी एक ऐसा प्राकृतिक तत्व जो किसी ऊंचे भूभाग से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, किन्हीं दो प्राकृतिक सीमाओं के बीच में प्रवाहित जलधारा होती है, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के उप सहायक नदियों के साथ एक जो नेटवर्क बनाती है, जाल बनाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नदी तंत्र कहा जाता है। हम लोग बात करते हैं भारत के नदी तंत्र के बारे में, तो भारत का नदी तंत्र दो हिस्सों में बांटा गया है, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र ये जो बांटे गए हैं, इनके विभाजन का एक ही दो ही मात्र आधार है। हम जो विभाजन का आधार देखते हैं तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, साल भर बहती हैं, क्योंकि ये जो वर्ष भर प्रवाहित होती हैं तो जो इनका स्रोत है हिमनद, मतलब यहां पर जो कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि ग्लेशियर्स से निकलती हैं, हिमनद से निकलती हैं, कुछ वर्षा के जल से निकलती हैं, तो कुछ और भी जो स्रोत आपके हैं जो भूमिगत स्रोत हैं जहां से पानी बाहर की ओर निकलता है, तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये साल भर बहती हैं। दूसरा हम लोग जब बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, तो प्रायद्वीपीय वाले हिस्से में जो है वहां पर ग्लेशियर्स नहीं पाए थे, हिमनद नहीं पाए थे, तो इसलिए ये नदियां वर्ष की कुछ माह ही बहती हैं, वो भी तब बहती है जब बारिश आपकी होती है, वर्षा आपका जब भारतीय मानसून आता है तो वो बारिश के समय प्रवाहित होती है। दूसरा जो विभाजन का आधार रखा गया, भारत की नवीनतम भूभाग से निकलने वाली नदियां और भारत के प्राचीनतम भूभाग से निकलने वाली नदियां। जब हिमालय नदियों के बारे में बात करते हैं तो ये जो नवीनतम भूभाग से निकलने नदियां हैं, हिमालय की नदियों को नवीन नदियां कहा जाता है भारत के संदर्भ में, जबकि जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इन नदियों को प्राचीन नदियां कहा जाता है। वास्तव में क्या है, हम लोग जब देखते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार, तो वहां पर तीन सीमाएं पाई जाती हैं, अभिसारी, अपसारी और संरक्षी प्लेट सीमा। एक तरीके से कहिए तो एक को हम कह सकते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, एक को कह सकते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा, और एक को कह सकते हैं लोग संरक्षी प्लेट किनारा। तो आपका जो यूरेशियन प्लेट है पूरे के पूरे अर्थ को, पूरे पृथ्वी को जो है सात प्लेटों में बांटा गया है, वहां पर आते हैं, जिसमें से हम लोग आते हैं तो आपकी जो दो प्लेटें आपकी हैं यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट का आते हैं तो ये प्लेट आपकी हल्की है, ग्रेनाइट से बनी है, जिसका घनत्व क्या है, कम है, जिसे हम लोग महाद्वीपी प्लेट भी कहते हैं। तो ये हल्का होने कहां चली जाती है, ऊपर की ओर, जबकि इन दोनों प्लेटों के बीच में आपको एक सागर मिलेगा, टेथिस सागर, एक भूसन्नति के रूप में। इसके साउथ में आते हैं दक्षिण की ओर तो आपको मिलता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। यह प्लेट भारी है, क्योंकि क्यों इसलिए भारी है, क्योंकि बेसाल्ट चट्टान से बनी है, इसलिए इसका घनत्व भी क्या है, ज्यादा है। अब घनत्व ज्यादा होने के कारण ये जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाती है। यूरेशियन प्लेट के नीचे जाने पर जो इसके किनारे हैं वो आपस में जब रगड़ते हैं तो रगड़ने के परिणाम स्वरूप यहां पर यूरेशियन प्लेट के ऊपर तीन आपकी श्रेणियों की रचना होती है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। क्योंकि ये जो हिमालय है ये हिमालय बाद में बना, और जब हिमालय बाद में बना मतलब कहां से, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिस प्लेट के ऊपर आपका प्रायद्वीपीय भाग रखा हुआ है, तो ये प्राचीनतम भाग है, तो ये हिस्सा बाद में बना, ये हिस्सा बहुत पहले बना है, लेकिन ये जो आपका हिमालय है तो बाद में बनता है। ये कब बनता है, जब दोनों प्लेटें आमने सामने आती हैं। आमने सामने आने के परिणाम स्वरूप हिमालय तो बाद में बना, थी नदियां भी बाद में आई होंगी, प्रायद्वीपीय जो आपका पठारी भाग है वो वाला हिस्सा बहुत पहले का है, तो वहां पर नदियों का भी उद्गम जो है बहुत पहले हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में हिमालय से निकलने वाली नदियों को भारत के संदर्भ में नवीन नदियां कहा जाता है, जबकि जो आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यहां से निकलने वाली नदियों को कहा जाता है प्राचीन या पुरानी नदियां। उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं गंगा के बारे में, तो गंगा यहां भारत में आएगा तो एक गंगा और भी बात करते हैं हम लोग, वृद्ध गंगा। एक गंगा तो है ही है जो कि भारत के बृहद मैदान की प्रमुख नदी है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया की, यहां पर आइएगा। उस मैदान के बाद एक गंगा आप और भी पढ़ते हैं जो हम लोग कहते हैं गोदावरी के बारे में, और गोदावरी के बारे में एक बात जो कही जाती है आपसे, गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा ऑफ इंडिया। वृद्ध गंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम बात करते हैं गंगा के बारे में तो भारत के बारे में अगर हम जब तुलना करें तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है, 2225 किलोमीटर, जबकि यहीं पर आते हैं गोदावरी के बारे में तो जो इसकी लंबाई है वो इससे कम है,
गोदावरी की लंबाई गंगा से कम है, लेकिन जब बात करेंगे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी तो आपकी गोदावरी हो जाती है। लेकिन लंबाई के आधार पर हमने तुलना किया यहां पे, तो ये गंगा के लगभग समानांतर चलती है, भारत की दूसरी लंबी नदी। लेकिन जब बात करेंगे आयु का, इसकी एज का, तो गंगा भी नई है, लेकिन जो गोदावरी है क्योंकि ये प्रायद्वीप पठारी भाग से निकलती तो इसकी आयु ज्यादा है, इसलिए गोदावरी को वृद्धगंगा कहा जाता है। तो यहां पर गंगा नदी को उदाहरण से ही हम जान सकते हैं एक नई नदी है और एक क्या है, पुरानी नदी है। क्योंकि जो भारत है, भारत का जो दक्षिणी वाला भाग है वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, हम जब बात करते हैं जितने भी महाद्वीप है आपके सातों महाद्वीप, ये जब आपस में जुड़े हुए थे तो उन्हें हम लोग क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे। और इस पैंजिया के चारों तरफ जो आपको महासागर मिलता था, मतलब सभी महासागर आपस में जुड़े हुए थे, तो क्या कहलाता था वो, पैंथालासा। तो पहले पूरे ग्लोब को महाद्वीप और महासागर नहीं बांटा गया था, बल्कि बांटा गया था पैंजिया और पैंथालासा में। यही पैंजिया कई बार, जो आपका पृथ्वी का जो भूगर्भिक काल है वो कई बार आपका जो है पैंजिया टूटा है और कई बार वो महाद्वीप आपके बनते गए हैं। तो जैसे जैसे आपका पैंजिया टूटता गया वैसे वैसे महाद्वीप बनते गए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं तो जो भूमध्य रेखा है वो इस पैंजिया के बीचों बीच से होके जाती थी, आज के समय में नहीं पहले के समय में भी। तो उस समय जो है भूमध्य रेखा से उत्तर का जो भाग था उसे हम लोग लारेसिया कहते थे और जो दक्षिण का भाग है उसे हम लोग क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। लारेसिया में हम लोग जब बात करते हैं पूरे मैप पर, तो भूमध्य रेखा से उत्तर में जितने भी महाद्वीप मिलते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सब कैसे हैं, लारेसिया के हिस्से। वहीं पर जब बात करते हैं भूमध्य रेखा से दक्षिण में जितने भी महाद्वीप हैं, जैसे अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब किसके हिस्से हैं, गोंडवाना लैंड के। तो जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वो दक्षिण वाला हिस्सा है, जो कि उत्तर की ओर बहते हुए कहां जाके जुड़ा हुआ है, यूरेशियन प्लेट के नीचे जाके चला गया है और जाने से क्या बना यहां पर, हिमालय। तो एक तरीके से प्रायद्वीपीय पठार ये वाला जो हिस्सा है ये भारत का प्राचीन हिस्सा है, जबकि जो हिमालय वाला हिस्सा है ये भारत का कैसा हिस्सा है, नवीनतम हिस्सा है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं भारत के नदी तंत्र को दो हिस्सों में बांटा गया है, हिमालयी नदी तंत्र। और हम लोग ये देखते हैं भारत नदी तंत्र, हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र दो हिस्सों में बांटी गई, जैसा कि अभी इसके पहले आपने देखा। हम पहले बात करेंगे हिमालयी नदी तंत्र के बारे में। जो आपका हिमालयी नदी तंत्र है वो तीन हिस्सों में बटा हुआ है, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मतलब हिमालय को तीन हिस्सों में बांटा गया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों में या तो सभी नदियां, वे नदियां सिंधु की सहायक हैं, या तो गंगा की सहायक हैं, या तो ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। अगर हम लोग बात करें जो आपका हिमालयन रिवर सिस्टम है, यहां पर आइएगा, जो आपका हिमालय है वो भारत के उत्तर में आपको कुछ जम्मू कश्मीर से लेकर के यहां नामचा बरवा तक मिलेगा, जो कि तिब्बत वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ये जो रेंज आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, महान हिमालय की श्रेणी। इस हिमालय की श्रेणी के उस पार आपको एक हिमालय मिलेगा जिसे हम लोग ट्रांस हिमालय कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर और तिब्बत वाली एरिया में आपको मिलेगा। इसे हम लोग पार हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं, मतलब भारत के उस पार या मुख्य हिमालय के उस पार हिमालय। यहीं पर जो इसकी तीसरी श्रेणी है यहां पर आइएगा, जिसे हम लोग लघु हिमालय कहते हैं, लेसर हिमालय। क्योंकि क्यों, क्योंकि इस श्रेणी की जो ऊंचाई है इन दोनों से क्या है, कम है। लघु हिमालय जो तीसरी श्रेणी जो कि बाद बनी। जो चौथी श्रेणी हम लोग देखते हैं वो आपको जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, पश्चिम बंगाल से होते हुए, ये भूटान से होते हुए पहुंचती है अरुणाचल प्रदेश में, डफला, मिरी, अबोर और मिस्मी की पहाड़ियां। तो ये हिमालय की चारों श्रेणियां हैं, ट्रांस, ग्रेटर, लेसर एंड शिवालिक। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इस हिमालय से यहां पे आइएगा, इसके बाद भारत में आपको एक रेंज और मिलेगी जिसे हम लोग कहते हैं अरावली रेंज, ये वाला हिस्सा। यहां पर आते हैं आपको कुछ पहाड़ियां मिलेंगी, गुजरात में गिरी, गिरनार, मांडवा, वर्धा, ये पहाड़ियां मिलती हैं। यहीं पर आइएगा, ये जो आपका अरब सागर तट के सहारे आपको कुछ पहाड़ी मिलेगी, ये वाला हिस्सा जिसे हम लोग कहते हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों को यहीं पर आएगा, इन पश्चिमी घाट से पहाड़ियों से, नीलगिरी की पहाड़ियों से कुछ पहाड़ियां ऐसी अलग हुई हैं, क्योंकि ये भारत के पूर्वी हिस्से में है और बंगाल सागर के तट पर है, तो इन्हें हम कहते हैं पूर्वी घाट की पहाड़ियां।
पूर्वी घाट की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां के ऊपर चलिएगा नॉर्थ वाले हिस्से में, मतलब ये जो बीच का हिस्सा है मध्य भारत में, यहां पर आपको दो श्रेणियां मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको विंध्यन और नीचे आपको मिलेगी सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा इन्हें मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां भी कहा जाता है। आगे की ओर यहां पहुंचते हैं तो आपको मिलता है राजमहल की पहाड़ियां। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहां पे, ये जो हिस्सा आप है इसे हम लोग कहते हैं बृहद मैदान, और इसी वाले हिस्से में ही आपको हिमालयन रिवर सिस्टम मिलता है। जब आप यहां विंध्यन और सतपुड़ा से नॉर्थ में जाइएगा तो आपको हिमालयी नदी तंत्र मिलेगा, और यहां से आप नीचे की ओर आइएगा तो आपको मिलेगा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। एक विभाजन का आधार और भी बनता है यहां पर। यदि हम भारत को कर्क रेखा के आधार पर दो हिस्सों में बांट दें, कुछ ऐसा, ये जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत के बीचों बीच से जाती है, तो एक तरीके से देखा जाए कर्क रेखा के उत्तर में हिमालय नदी तंत्र और कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब हम बात करते हैं हिमालय नदी तंत्र के बारे में। जो पहला हम लोग देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। जो सिंधु है वो ट्रांस हिमालय से निकलती है और जम्मू कश्मीर से होते हुए तो कुछ ऐसे यू टर्न लेकर के प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में और गिरती आकर के अरब सागर में। ये आपका सिंधु नदी तंत्र, और सिंधु से यहीं से ही निकलती है आपकी सतलुज और आकर के पाकिस्तान में मिलती है सिंधु से। ऊपर क्यों चलते हैं, यहीं पर ही रिवर आपकी मिलेगी किशनगंगा, किशनगंगा से मिलती है झेलम, झेलम से मिलती है चिनाव, चिनाव से मिलती है रावी। ये सभी नदियां एक दूसरे से आकर के मिलती हैं पाकिस्तान में, और अंत में जाके मिल जाती हैं कहां पर, वहां पे सतलुज रिवर में। और ये चिनाव नदी के नाम से जाकर के नदी कहां मिलती है, पाकिस्तान में सिंधु नदी से। यहीं पर एक नदी आपको और मिलेगी हिमाचल प्रदेश में ब्यास रिवर। तो ये जो आपने ऊपर रिवर सिस्टम देखा जिसे हम लोग पंजाब हरियाणा का मैदान भी पहले कहते थे, पंजाब का मैदान, यहां पर सिंधु नदी तंत्र मिलेगा, मतलब सिंधु, सतलुज, किशनगंगा, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, ये सभी नदियां आपस में क्या बनाती है, सिंधु नदी तंत्र बनाती है, ये वाला हिस्सा। दूसरा हम लोग बात करते हैं या तो सिंधु नदी तंत्र, या तो हम लोग दूसरा बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। जो गंगा है वो उत्तराखंड से निकलती है और कुछ बृहद मैदान से बहते हुए, बांग्लादेश से बहते हुए कहां जा गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। गंगा की एक सबसे लंबी जो सहायक है और भारत में भी आएगा सबसे लंबी सहायक है, वो भी उत्तराखंड से निकलती है और आकर के प्रयागराज में मिलती है गंगा से, नाम इसका है यमुना। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर ही इस वाले हिस्से में जो नॉर्थ वाला हिस्सा गंगा का, यहां पर आएगा तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, पश्चिम बंगाल तक ये नदियां मिल रही, ये सब गंगा की सहायक है। जबकि दूसरे हिस्से में आते हैं तो यहां से अरावली की पहाड़ियों से नदी निकलती है बनास, और नीचे आते विंध्यन श्रेणी से ऊपर नॉर्थ की ओर रिवर जा रही है यहां पर चंबल, चंबल से यहां पर मिलती है कूनो, यहां पर मिलती है आपकी सिप्रा, यहां पर मिलती है आपकी पार्वती, यहां पर मिलती है सिंध। ये सभी नदियां आपकी कहां मिल रही है, चंबल मिल रही है, और यहीं पर आएगा तो सिंध, केन और बेतवा, ये सब मिलती हैं आकर के कहां पर, यमुना में। ऊपर की रिवर आपकी मिलेगी आकर के हिंडन, एक तरीके से यहां पर आएगा नीचे की ओर, तो यहां पर आते हैं तो यहीं पर आपको रिवर आपको मिलेगी टोंस, और यहीं से आपको मिलती है रिवर एक आपको सोन नदी, ये वाला हिस्सा। अब यहीं पर आते हैं सोन रिवर में आपकी मिलती है जोहिल्ला, उत्तरी कोयल, रिहंद, और यह मिलती है दुधी। यहां पर आते हैं तो ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं इसी वाले हिस्से, बिहार वाले हिस्से में पुनपुन, घग्गर, फाल्गु, ये रिवर्स मिलती हैं गंगा में जाकर के। और यहां पर आएगा जो यही हिस्सा आप देख रहे हैं जिसे हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर का पठार, और इस पठार पर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, दामोदर। जो दामोदर है गंगा रिवर ही फरक्का से ही दो हिस्सों में बंटती है, हुगली और पद्मा के नाम से। जो पद्मा है वो बांग्लादेश चली जाती है और जो हुगली है वो आती है पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। यहां पर आते हैं जो ये रिवर आपकी है दामोदर, जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, अब तो पश्चिम बंगाल के लिए वरदान हो गया है। 1948 में यहीं पर ही टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी नदी है, उसी के ही आधार पर स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशी परियोजना बनाई गई थी दामोदर नदी पर। तो उस परियोजना के बनने के बाद से अब दामोदर नदी पश्चिम बंगाल के लिए वरदान बन गया है। दामोदर यहीं पर ही अपने कुछ सहायक नदियों के साथ में रूप नारायण, बराकर और कसई जैसी नदियों के साथ में आके मिलती है हुगली में। अंत में यह नदी कहां जाकर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। दूसरा हम लोग बात करें यहीं पे ही देख रहे हैं, ये हिस्सा या तो गंगा की सहायक नदियों से पूरी की पूरी हिस्सा भर जा रहा है जो बृहद मैदान है,
मतलब जितनी भी नदियां हैं तो गंगा की सहायक है यहां पर, और भी इसके पहले में क्या देखा, सिंधु की सहायक है। दूसरे पर हम लोग आते हैं आगे की ओर, ये जो आपका है गंगा रिवर सिस्टम, आपने देखा या तो इस वाले हिस्से में कर्क रेखा से उत्तर में आपको सिंधु मिला या तो गंगा मिला। तीसरे पर हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। जब बात करते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, यह नदी भी यहीं पर एक कैलाश वाले हिस्से से चेमा युंगलुंग ग्लेशियर से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में दिबांग घाट से भारत में एंट्री करते हुए असम के मैदान से प्रवेश करते हुए कहां प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश में, और अंत में मेघना नदी के नाम से कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अब यहां पर आते हैं जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहीं पर चीन में रिवर आपकी ब्रह्मपुत्र से मिलती है दिबांग, यहां पर आते हैं तो दिहांग, यहां पर आएगा लोहित, ये आपकी दीखू, धनसिरी, कलंग, फिर यहां पर आते हैं तो कपली, कृष्णाई और सिंगामारी, यहां पर आएगा तो सिक्किम वाली एरिया से आपकी रिवर आती है तीस्ता, जो कि पश्चिम बंगाल से होते हुए जाके बांग्लादेश मिलती है, फिर यहीं पर आएगा संकोस, फिर मानस, फिर दिनकरन, फिर रंगा, फिर यहां पर आएगा तो कमला और सुबनसिरी। तो एक तरीके से देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है इसने पूरा एरिया कवर कर लिया, बीच का हिस्सा जो कि यहां पर आता है जिसे गंगा नदी ने कवर कर लिया, और जो ये वाला हिस्सा है आपका सिंधु नदी तंत्र ने कवर कर लिया। तो इसीलिए हिमालय नदी तंत्र में जब बात करते हैं तो हिमालय रिवर तंत्र को, मतलब हिमालय नदी तंत्र को आपको जो है ये तीन हिस्सों में बांटा गया है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके आधार पर अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में। यहां तक चले हम लोग, जैसा कि हम लोग पहले देखे, अभी हम लोग बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग ये बात करेंगे, चूंकि यह नदी भी हिमालय से निकलती है, हिमालय पर आते तो आपको चार श्रेणियां मिलती है। कुछ हिमालय जो है पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है और जब उत्तर से दक्षिण चलते हैं तो इसकी चार श्रेणियां मिलती हैं। ये देखिएगा ट्रांस हिमालय, यहां पर महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अलग अलग कलर से आप देख रहे हैं यहां पर, जो आपकी सिंधु नदी है वो ट्रांस वाले हिस्से से निकल रही है, इसलिए सिंधु नदी को ट्रांस हिमालयी रिवर भी कहा जाता है। जैसे भारत के संदर्भ में हम लोग बात करें ट्रांस हिमालयन रिवर्स, मतलब भारत की ऐसी नदियां जो हिमालय के उस पार से आ रही हैं, तो उनमें जब बात करते हैं तो चार नदियां ऐसी हैं, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कोसी। जो कोसी है उसका नेपाल में नाम अरुण है, तो उसी अरुण के ही नाम से देखा जाए तो यहां पर कोसी भारत में प्रवेश करती है तो कोसी हो जाता है। तो ये चार नदियां ऐसी जो ट्रांस हिमालयन है, उसमें एक आपकी नदी कौन सी आती है, सिंधु। यहां पर इस वाले फ्लो चार्ट से हम लोग यहां पर देखेंगे हिमालय की ये चार श्रेणी जो कि उत्तर दक्षिण बटी हुई है, ट्रांस, महान, लघु और शिवालिक। जो आपकी सिंधु नदी है वो ट्रांस हिमालय के इस हिस्से से निकल रही है और यहां से निकलने के बाद ये भारत और फिर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहां पर आइएगा, जो आपका ट्रांस हिमालय है ये ट्रांस हिमालय चार हिस्सों में बटा हुआ है। जब हम ट्रांस हिमालय को यहां पर बांटते हैं तो इसके चार हिस्से आपको मिलते हैं। सबसे उत्तर में चलिएगा तो आपको कराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर कैलाश। मतलब ट्रांस हिमालय के भी चार हिस्से, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। जो आपका सिंधु नदी है वो कैलाश की पहाड़ी से निकलती है, कहां निकलती है, कैलाश की पहाड़ी से। इस कैलाश की पहाड़ी पर आइएगा तो आपको दो झीलें मिलेंगी, राक्षस ताल और मानसरोवर। ये जो राक्षस ताल और मानसरोवर है यही इन्हीं दोनों झीलों से ही नदियां निकलती हैं ट्रांस हिमालयी। ट्रांस हिमालय में आइएगा तो यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक आपकी निकलती है सिंधु, दूसरी कौन निकलती, सतलुज निकलती है। आगे हम लोग बात करते हैं इस वाले फ्लो चार्ट पे, यहां पे आइएगा। अब इसी हिस्से को थोड़ा सा हमने और जूम कर दिया, इस हिस्से पे आइएगा तो हम लोग बात करते हैं सिर्फ ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय कौन सी श्रेणी, जो कि कैलाश की है। ये जो कैलाश श्रेणी है जो कि तिब्बत चीन में मिलेगी, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, इस पर आपको दो झीलें मिलेंगे, राक्षस ताल और मानसरोवर। राक्षस ताल से आपकी जो नदी निकलती है ये आपकी है सिंधु नदी और कहां गिर रही है, अरब सागर में। ध्यान दीजिएगा हम लोग जब बात करते हैं चीन के तिब्बत में, चीन के तिब्बत में ट्रांस हिमालयी श्रेणी के कैलाश श्रेणी पर स्थित राक्षस झील से जो नदी निकलती है तिब्बत एरिया में, उसे हम लोग कहते हैं सिंगी खबाब। क्या कहते हैं हम लोग, सिंगी खबाब। और ये सिंगी खबाब के नाम से कहां बह रही है, तिब्बत वाला एरिया, अभी भारत में नदी एंट्री नहीं की है। जो सिंधु नदी है वो सिंगी खबाब के नाम से निकलती है और भारत में जम्मू कश्मीर के चांगड़ा दर्रे के पास से ये भारत में एंट्री कर रही है। भारत में एंट्री करने के बाद कुछ जैसे यहां पहुंच
होती है तो यहीं पर आइएगा, तो यहां पर आपको एक मिलेगी पीक चोटी, जम्मू कश्मीर में आइएगा, जिसे हम लोग कहते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इस नंगा पर्वत के नॉर्थ में कुछ रिवर आपकी यू टर्न लेती है, और यू टर्न लेने के बाद इसी पर्वत के पास में एक गहरी घाटी बनाती है, जिसे हम लोग कहते हैं गॉर्ज। जो गॉर्ज इसने बनाया, घाटी बनाई, ये भारत की जो है किसी भी नदी के द्वारा, तो बात करेंगे भारत में किसी भी नदी के द्वारा जो सबसे गहरी घाटी बनाई गई वो आपकी होती है गॉर्ज। ध्यान दीजिएगा, दो पहाड़ियों के जो बीच का हिस्सा होता है वैली, इसे हम लोग क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। पर्वतों पर आइएगा, जो वैली होती है, घाटी सामान्य भाषा है, लेकिन जब वैली का शेप बी के आकार का हो तो उसे वी शेप वैली कहते हैं, जब इसकी गहराई और बढ़ जाए तो उसे हम लोग गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉर्ज। लेकिन जब गॉर्ज की भी गहराई और बढ़ जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। क्या कहते हैं, कैनियन। और जब कैनियन की भी गहराई और ज्यादा बढ़ जाए तो उसे हम लोग कहते हैं आई शेप वैली, मतलब आई आकार की घाटी। अगर उसका बॉटम है वो नीचे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है, तो दुनिया की जो सबसे गहरी घाटी है वो भारत में नहीं है, बल्कि आपको यूएसए में मिलेगा, कोलोरेडो नदी, ग्रैंड कैनियन के नाम से आप पढ़ते हैं वहां पर। तो जो आपकी ग्रैंड कैनियन है वो दुनिया की क्या है, सबसे गहरी घाटी है। लेकिन जब बात करेंगे भारत में सबसे गहरी घाटी है, तो भारत में किसी भी बंदे ने कैनियन नहीं बनाया, सिर्फ वो बी आकार की घाटी से किसी मतलब हुआ है, गॉर्ज में। जो सबसे गहरी घाटी है वो आपको जम्मू कश्मीर मिलता है सिंधु नदी घाटी में, और सिंधु नदी के द्वारा बनाया गया है बुंजी गॉर्ज। और यहीं से आते हैं तो मुजफ्फराबाद के बाद ये रिवर इंटी कहां कर जाती है, पाकिस्तान में, और फिर यहां कर जाती है अरब सागर में गिरती है। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम लोग देखते हैं इस चीज को, चीन के तिब्बत में ट्रांस हिमालयी पहाड़ी के कैलाश श्रेणी पर स्थित राकस झील से सिंगी खब्बाब नदी के नाम से तिब्बत में बहती है, और भारत में चांगला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है के निकट से प्रवेश करती है, और नंगा पर्वत के उत्तर में स्थित बुंजी गाज बनाती है, और यहीं से ही आगे पहुंचती है तो मुजफ्फराबाद से कहां एंटी कर जाती है, पाकिस्तान में। और नीचे पहुंचते हैं पाकिस्तान से होते हुए यह नदी अरब सागर में मकरान तट के सहारे गिरती है। जो आपका मकरान तट है इसी के ऊपर पाकिस्तान का एक बंदरगाह मिलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं कराची बंदरगाह। ये जो मकरान तट रखा गया, वास्तव में यहां पर अरब सागर तट के सहारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में मकरान की पहाड़ियां पाई जाती हैं। तो मकरान की पहाड़ियों के ही आधार पर जिस तट के सहारे सिंधु नदी पाकिस्तान में गिर रही है, इसे हम लोग कहते हैं मकरान तट। क्लियर हुआ, यहां पर भारत में ही आते हैं यहीं पर ही, तो इसी आपके ट्रांस हिमालय वाले एरिया में ही कैलाश श्रेणी पर स्थित जो दूसरी झील है आपकी मानसरोवर, तो मानसरोवर वाले झील वाले हिस्से से ही आपकी रिवर कौन सी निकलती है, सतलुज नदी। अक्सर जो है अलग अलग किताबों में इन दोनों नदियों को आपस में एक्सचेंज कर दिया गया है, कहीं पर जो है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो वहां पर सिंधु को बताया गया राकस से निकलते हुए, तो एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो यहां राकस से मानसरो यह बताया गया सतलुज नदी को निकलते हुए। लेकिन ऑथेंटिक सोर्स जो आपका है, जो भी आपके एग्जाम में है, तो जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा या तो राकस आएगा या तो मानसरोवर आएगा, तो सिर्फ आपको टिक यही करना है। लेकिन वास्तविकता यह है कि जो राकस झील है वो उत्तर में है और जो मानसरोवर है वो दक्षिण में है। राकस वाले हिस्से से सिंधु निकल रही है और मानसरोवर वाले हिस्से से कौन सतलुज नदी निकल रही है। भारत में आते हैं तो किशनगंगा, झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास, ये सभी नदियां आपस मिलती हैं और चिनाव नदी के ही नाम से पाकिस्तान में जाके किसे मिल जाती हैं, सिंधु से। तो ये पूरा हिस्सा जो आपने देखा इसे ही हम लोग कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। वास्तव में सिंधु नदी तंत्र में और भी चीजें आती हैं, लेकिन अभी ये जो हिस्सा हमने देखा कि सिंधु नदी निकलती कहां से है, तो यहां पर जैसे कि आपने फिर से एक बार बताते हैं, यहां पर सिंधु नदी राकस झील से सिंगी खब्बाब तिब्बत वाली एरिया में निकलती है, और चांगला दर्रे से जो कि भारत में है निकट के ही भारत में प्रवेश कर रही है, और बुंजी गाज बनाते हुए ये अरब सागर में गिर रही है। ठीक, हम लोग आगे देखते हैं। पहले हिस्से में हमने ये देखा कि आपकी सिंधु नदी निकलती कहां से है, तो ये वाला हिस्सा हमने जैसे कि देखा नदी राकस ताल से निकल के कहां जा रही है, अरब सागर में। यहां पर आते हैं हम लोग, ये आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं, जो भी आप देख रहे हैं पूरा का पूरा नेटवर्क एक तरीके से। ये जब नदियां और मुख्य नदियां, इसकी सहायक नदियां और उप सहायक नदियां आपस मिलती हैं, तो यही सिस्टम बनाते हैं आपस में, और अंत नदी कहां जा गिर रही है, अरब सागर में। हम लोग जब बात करते हैं इनकी सहायक नदियों के बारे में, तो सहायक नदियां दो तरीके की होती हैं, एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, एक लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, दाएं तट की सहायक नदियां और बाएं तट की सहायक नदियां।
तो हम ये कैसे जानेंगे कौन सी दाएं तट की और कौन सी बाएं तट की है? ध्यान दीजिएगा, यहां पर जिस दिशा में आपकी रिवर बह रही है, यहां राकस्थल से निकल रही रिवर, जिस दिशा में आपकी रिवर बह रही है इसी दिशा में आप अपने आप को इमेजिन करके खड़े हो जाइए। तो जो आपका राइट होगा वही रिवर का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही रिवर का भी लेफ्ट होगा। तो अब राइट हैंड की ओर से मिलने वाली राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, जो लेफ्ट हैंड से मिल रही हो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज। हम बात करते हैं तो ये जो नदियां आप देख रहे हैं ये सिंधु के दाएं तट की ओर से मिल रही है राइट हैंड की ओर से, तो दीज रिवर्स आर राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। लेकिन ये नदियां जो आपकी मिल रही है ये लेफ्ट हैंड से मिल रही है, तो दीज रिवर्स आर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। यहां पे हम लोग जब बात करते हैं इसके दाएं तट की सहायक नदियों में, तो अफगानिस्तान में हिंदुकुश की पहाड़ियों की ओर से रिवर जो है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से बहते हुए आ रही है, और हिंदुकुश पर आपको एक दर्रा मिलेगा खैबर, उसको पार करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में किसे मिल रही है? सिंधु से। नदी का नाम है काबुल। और चलते हैं हम लोग जो आपका पीओके वाला एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर का एरिया कराकोरम का, वहां पर आइएगा तो आपको गिलगित दर्रा भी मिलेगा, और गिलगित दर्रे से जो आपकी रिवर आ रही है वो सिंधु मिल रही है, नाम उसका भी है गिलगित। तो गिलगित दर्रा भी मिलेगा और गिलगित नदी भी मिलेगी, और ये आपको पीओके वाले एरिया मिलता है। उसके और नीचे आते हैं तो जो आपका कराकोरम रेंज है जो कि अब आपका भारत वाले हिस्से में आता है जम्मू कश्मीर के, यहां से रिवर आपकी निकलती है सुरू, ये भी आपके सिंधु मिलती है दाएं तट की सहायक नदी। आगे बढ़ते हैं, इसी सिंधु की एक प्रमुख सहायक है स्योक नदी, लेकिन जो स्योक है ये निकलती आपकी है कराकोरम रेंज से। कराकोरम रेंज से आइएगा तो यहां पर जो स्योक है वास्तव में ये स्योक के नाम से नहीं निकलती, जो रिवर निकलती है वो हुंजा के नाम से, आगे बढ़ी तो नाम हो गया नुब्रा, और नुब्रा से मिलती है चिपचॉप, तो नदी का नाम हो जाता है स्योक। और ये भी जो है कराकोरम और लद्दाख दो श्रेणियों के बीच में आके सिंधु से मिलती है। तो एक तरीके जो स्योक रिवर है, स्योक रिवर के उत्तर में आपको कराकोरम श्रेणी मिलेगा और दक्षिण में आपको मिलता है लद्दाख रेंज। यहां पर आइएगा, अब ये तो आपकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हो गई, हम लोग बात करते हैं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में। लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी पहले बात करेंगे सिगार के बारे में। जम्मू कश्मीर में आइएगा तो महान हिमालय की एक श्रेणी आपकी है जास्कर श्रेणी। जब जास्कर श्रेणी के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जास्कर श्रेणी की जो ओरिजिन है और स्ट्रक्चर है, उत्पत्ति और संरचना, ये दोनों आपका जो मैच करता है ग्रेट हिमालयन से। तो उत्पत्ति और संरचना के आधार पर जास्कर श्रेणी हिस्सा है महान हिमालय का। किसका हिस्सा है? महान हिमालय का। लेकिन ये वाला जो आपका जो जास्कर श्रेणी है, जो उसकी लोकेशन हम लोग देखते हैं तो वो आता है ट्रांस हिमालय वाले एरिया में। तो हम लोग पढ़ते वक्त ट्रांस के साथ में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। और उसी जास्कर श्रेणी से रिवर आपकी निकलती है सिगार, मतलब जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर के आपको ईस्ट वाले हिस्से मिलता है, मतलब चीन की तरफ मिलता है रिवर ये सिगार। और आगे चलते हैं तो जास्कर श्रेणी से आपकी एक रिवर लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी जास्कर के ही नाम से निकलती है। और आगे बढ़े हम लोग, जास्कर से आगे एलओसी पहुंचेगा कारगिल, यहां पर है आपका जो आपका नियंत्रण रेखा है, लाइन ऑफ कंट्रोल, भारत और पाकिस्तान के बीच की अस्थायी सीमा। तो वहां पहुंचेगा श्रीनगर के आपको उत्तर मिलता है, तो वहीं पर आपको मैदान मिलेगा देवसाई का मैदान, और देवसाई के मैदान में आपको जो है एक दर्रा मिलेगा पंजी श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच का हिस्सा। उस पंजी श्रेणी के जो है जो आपका मिलेगा उसके जो उस पे दर्रा आपका है बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रे से ही आपकी रिवर निकलती है अस्तोर। एक तरीके से फिर सुनिएगा, जास्कर और पंजी श्रेणी के बीच में स्थित बुर्जिल दर्रे के एक ढाल से, जो का पश्चिमी ढाल है, वहां से नदी निकलती है अस्तोर, और देवसाई के मैदान से बहते हुए कहां तक मिलती है? सिंधु नदी में। अब नीचे की ओर हम लोग आते हैं, यहीं पर ही पंजी श्रेणी से ही आपकी नदी निकलती है किशनगंगा। किशनगंगा भारत में ही झेलम से मिल जाती है। ये झेलम नदी आइएगा थी झेलम नदी के किनारे ही जो आपका जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, वो इसी के किनारे मिलेगा। इसी झेलम नदी में ही आपको आइएगा तो भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील भी मिलेगी, बुलर झील मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, झेलम नदी यही एंट्री कर जाती है पाकिस्तान में, तो नाम हो जाता है नीलम। नीलम नदी पर ही पाकिस्तान में एक आपको जलाशय मिलेगा, रिजर्वायर, जिसे हम लोग कहते हैं मंगला जलाशय। मंगला जलाशय के ऊपर हम लोग जब बात करेंगे, यहां पर जो मंगला जलाशय आपका है, मंगला जलाशय पर पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रखा है।
कैपेसिटी के अनुसार, मतलब जो क्षमता उसकी है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की, सबसे बड़ा आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मिलेगा मंगला डैम के ऊपर। और आगे चलते हैं, अभी रिवर ये पाकिस्तान में ही है, भारत में हिमाचल प्रदेश की ओर से रिवर आपकी निकल रही है चिनाव रिवर। चिनाव रिवर भी जाके पाकिस्तान मिल जाती है किससे, नीलम से। तो अब जो नीलम है, जैसे किशन गंगा मिली झेलम से, नाम हो गया झेलम, अब झेलम आगे पहुंची पाकिस्तान में, नाम हो गया नीलम। अब नीलम रिवर आगे बढ़ रही है, जब चिनाव मिलती है तो नीलम का नाम क्या हो गया, चिनाव हो गया। अब चिनाव के ही नाम से रिवर अंत में जा कहां मिलेगी, सिंधु में। ध्यान रखिएगा, जब इसमें रावी भी मिलेगी भारत की ओर जाने के बाद, तो भी इसका नाम नहीं बदलेगा, नाम रहता है चिनाव। मतलब रावी किसे मिलेगी, चिनाव में। फिर आगे पहुंचते हैं ब्यास नदी, जो ब्यास है वो भी भारत में ही धौलाधर की श्रेणी पर ब्यास कुंड से निकलती है और सतलुज में मिलती है, सतलुज में पाकिस्तान में, वहां पंजाब में ये सतलुज मिलती है। और सतलुज में मिलने के बाद ही सतलुज किससे मिलेगी जाकर, चिनाव से। और अंत में रिवर जो है चिनाव के ही नाम से किससे मिल जाती है, सिंधु से। तो ये जो भी नदियां आपने देखा, काबुल, गिलगित, सुरू, हुंजा, नुब्रा, चिपचॉप, सेओक, सिगार, जास्कर, अस्तोर, किशनगंगा, झेलम, चिनाव, राबी, ब्यास, सतलुज, ये सब किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक है। कुछ नदियां इसमें राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज, तो कुछ नदियां इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। जैसा कि अभी आपने आज देखा, जो आपका पहला सेक्शन आज का गया, हमने काफी डिटेल में जो है भारत के नई तंत्र के बारे में बताया, और नई तंत्र में भी हमने जो आज पहला आपको वीडियो जा रहा है वो आपका सिंधु नई तंत्र के बारे में बताया। सिंधु, जैसा कि आप फ्लो चार्ज देख रहे हैं, अभी भी इसमें बहुत से सीरीज बते हुए हैं, क्योंकि रिवर सिस्टम ही आपके जो है कई वीडियोज में जाएंगे, और अभी सिंधु नई तंत्र के बारे में इसके आगे भी बहुत है, क्योंकि हम जो है जो भी चीजें हमने प्लान किया हुआ है और जो भी चीजें हम आपको दे रहे हैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू, क्योंकि हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन के थ्रू और वीडियो के थ्रू आप तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो सिंधु नदी का हमने सिर्फ यहाँ पर वर्जिन बताया, रिवर कहाँ पे गिरती है और कहाँ पर इसकी इसकी सहायक कौन कौन सी है। अभी आने वाले टाइम में जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो पड़ेगा आपके, वो आपका डिपेंड करेगा आपके व्यूज और आपके प्यार पर, जितना भी आप सब्सक्राइब करते हैं हमें, और उसी के आधार पर हम आगे की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर, और हम बेसिक से लेकर के एडवांस चल रहे हैं, ताकि आप जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सिविल सर्विसेज अप टू यूपीएससी लेवल, यकीन मानिए आप रिसर्च के भी स्टूडेंट हैं, आपको यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप खुद देख रहे होंगे काफी चीजें बहुत डिटेल में जा रही हैं। तो आप अपना एक प्रॉपर नोट्स भी हमसे बना सकते हैं, अपने क्वेश्चन आप डाल सकते हैं हमसे। अगर आपको इसमें कुछ कमियां भी नजर आती है तो आप अपने कमेंट्स जरूर शेयर करिए हमारे साथ में, हम इसको और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे साथ साथ में। लेकिन अभी ये सीरीज आपके केवल प्यार और आपके कमेंट पे ही डिपेंड करेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये आप जो है इस चीज को और अधिक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हमारे इसके बारे में आप अधिक से अधिक कमेंट्स करिए। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, कोशिश करिए हमारे इस वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक मित्रों तक आप शेयर करने का प्रयास करिए, जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना अधिक आपका हमको प्यार मिलता जाएगा और हमारा भी मनोबल बढ़ता जाएगा, और हम इसको और अधिक बढ़ाते जाएंगे। आने वाले टाइम में अभी जो आपका नेक्स्ट वीडियो पड़ेगा, वहां पर आप सिंधु नदी, इन नदियों के बीच बनने वाले मैदान, जैसे यहां पर रचना, छाज, रचना, बारी, बिस, दोआब, जिसे हम लोग पहले आजादी के पहले का जो हम लोग कहते थे, क्या कहते हैं, पंजाब कहते थे, अब आजादी के बाद का पंजाब कैसे बना, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करते हैं सिंधु समझौता जल, तो हम लोग सिंधु समझौते बात करेंगे 80 और 20% कैसे कैसे क्या चीजें हुई, इस सिंधु नदी तंत्र के ऊपर कुल कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पर नेशनल पार्क कुल कितने हैं। तो एक तरफ से हम लोग जो आपका सेक्शन शुरू होगा नदी के बारे में, वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक शुरू होगा। तो ठीक मित्रों, ये आप जो है इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने व्यूज और अपने लाइक्स जरूर दीजिएगा इसके बारे में, और जो भी आपके कमेंट्स होंगे वो आप जरूर कहिएगा, और अपने मित्रों तक इसको मैक्सिमम आप शेयर करिएगा। ठीक, नमस्कार।